हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुहब पॉइंट। यहाँ पर मिलेंगे आपको एजुकेशन, स्कॉलरशिप, डिजिटल इन्फॉर्मेशन, बिजनेस आइडियाज़ और भी बहुत कुछ। यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और मेरी इन्हीं वीडियो से बहुत सारी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मैं आज बात करने वाला हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। ये क्लास 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो 50% प्रेफरेंस है वो गर्ल्स स्टूडेंट को दी जाएगी। यदि आपकी फैमिली में या आपके रिलेटिव्स या आपकी कोई कोई भाई बहन अगर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th क्लास का स्टूडेंट है तो आप इसमें 100% अप्लाई करें। और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 12 फरवरी है। इसके अलावा इसका जो पोर्टल है वो है www.vidyasarathi.co.in। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ पर आप क्लिक करें और डायरेक्ट आप लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर लेता हूँ। तो जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो है कि आपका जो प्रीवियस क्लास है उसमें परसेंटेज आपकी 65% मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा मेल फीमेल बोथ जेंडर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख रुपीज़ से कम होना चाहिए। अब जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें, उसको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स है, जो स्टार्ट डेट है वो 22 जनवरी हो चुकी है और जो एंड डेट रहेगी वो इसकी 12 फरवरी रहेगी। तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करें। स्कॉलरशिप अमाउंट जो आपको मिलने वाला है वो 8th क्लास और 9th क्लास के लिए 2500 है, 10th क्लास के लिए 3500 रुपीज़ है और 11th, 12th क्लास के लिए 5000 रुपीज़ इसमें आपको अमाउंट मिलने वाला है। अब कुछ क्वेश्चंस की मैं बात कर लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे से आप उसमें एडवाइस ले सकते हैं। हु शुड अप्लाई, इसमें 8th, 9th, 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो होगी आपकी एप्लीकेशन फ़ोटो, दूसरा होगा एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, स्कूल का एडमिशन लेटर। और इसमें आपको आपका बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो पहले आप बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन करा लें, उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप मिल सकेगी। इस और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेफरेंस दी जाएगी, उन बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी जो कि NSDL ब्रांच के लोकेशन के आसपास रहते हैं। जैसे NSDL ब्रांच की लोकेशन है मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और बेंगलोर। इन 6 जगह पर जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको प्रेफरेंस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेशन इंस्ट्रक्शन वाला सर्टिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट होंगे वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, लेटेस्ट पासिंग मार्कशीट, स्टूडेंट बैंक पासबुक, स्कूल फीस रिसिप्ट, बोनाफाइड फ्रॉम द स्कूल। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं ये आपके JPEG या PNG फाइल में ही होने चाहिए और किसी फाइल में डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। और आप कॉन्टैक्ट पर्सन देख सकते हैं, राजीव मुखर्जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट ईमेल आईडी और ग्रीवेंस रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए अलग से ईमेल आईडी दी हुई है, यहाँ पर आप मेल करें, आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं ये वहाँ पर फुलफ़िल हो जाएंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।